तो थर्ड पार्ट के कॉन्प्ट वीडियो टू में हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को हम कैसे डिवाइड करते हैं ठीक है तो हम सारी कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेडियो वेव्स की जैसा कि आप सब जानते हैं पिछले वीडियो से ये लीस्ट एनर्जेटिक वेव्स होती है मतलब इनकी सबसे ज्यादा वेव होती है ओके और ये प्रोड्यूस होती है ड्यू टू एक्सेलरेटेड चार्ज इन वायर और एंटीना हम ये कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं जैसे कि आपको ट्रांसमिट करना है टीवी में क्या हो रहा है ठीक है तो आपको वो अगर ट्रांसमिट करना है एंटीना से सेटेलाइट से या फोन्स के अंदर हम वाईफाई यूज करते हैं हमारे फोन के अंदर जो नेटवर्क है ये सब रेडियो वेव से होता है ठीक है जो वेवलेंथ रेंज है ये ज़्यादा होती है काफ़ी इट इज ग्रेटर देन जीरो मीटर ओके और इसको हम कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं बाय रिसीवर्स एरियल जो हम जिसको एंटीना बोलते हैं ठीक है थीके? तो जो ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है वो यहाँ पर वायर के एक्सेलरेट होने से होता है ठीक है जो हमारे ट्रांसमीटर्स होते हैं जो बड़े बड़े टावर होते हैं टीवी टावर वहाँ पर जो करंट है उसके मूव होने से हम यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर चार्जेस मूव करते हैं ठीक है और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो वेव है बहुत ज़्यादा होती है और उसको फिर हम डिटेक्ट करते हैं हमारे रेडियो से हमारे फ़ोन से हमारे टेलीविजन से और हम इस तरह सिग्नल को साउंड में या पिक्चर में कन्वर्ट करते हैं अब रेडियो वेव्स की एप्लीकेशन जैसे कि मैंने बताया थी ये रेडियो में टेलीविजन में वाईफाई हमारे फोन में इन सब चीजों के अंदर यूज होता है ठीक है ओके सो रेडियो वेव्स आर यूज इन सेलुलर फोन टू ट्रांसमिट वॉइस कम्युनिकेशन इन द अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी बैंड ओके सेकंड है माइक्रोवेव्स माइक्रोवेव्स क्या होती हैं ठीक है माइक्रोवेव आपने सुना होगा जो हमारे घर के किचन के अंदर माइक्रोवेव होता है उसके अंदर माइक्रोवेव हम यूज करते हैं खाना पकाने के लिए ओके सो so ये इसका जो प्रोडक्शन है जो ये प्रोड्यूस होती हैं ये प्रोड्यूस होती हैं क्लिस्ट्रॉन वॉल्व या मैग्नेट्रॉन वॉल्व जनरली मैग्नेट्रॉन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम और यहाँ पर जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि कैसे मैग्नेट्रॉन यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करता है फिर वो जो रेडिएशन है वो अंदर जाता है और वो रेडिएशन जब जो वाटर पार्टिकल्स हैं उनको वाइब्रेट करता है उससे क्या है हीट प्रोड्यूस होती है ओके okay? इसकी जो वेवलेंथ रेंज है इट इज़ जीरो पॉइंट वन मीटर टू वन मिलीमीटर डिटेक्शन पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स ठीक है ये चीजें हम डायोड्स आपने सुना होगा पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड्स हम यूज कर सकते हैं माइक्रोवेव को डिटेक्ट करने के लिए और वाट आर द्लिकेशन ऑफ माइक्रोवेव्स दे आर सुटेबल फॉर द रेड आर सिस्टम्स यूज इन एयरक्राफ्ट नैविगेशन बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है और डोमेस्टिक एप्लीकेशन आप जानते होंगे कि जो हम अवन यूज़ करते हैं घर के अंदर ओके okay, तीसरी है इन्फ्राइड रेज इनकी जो वेव लेंथ है ये माइक्रोवेव से कम होती है फ्रीकेंसी थोड़ी ज़्यादा होती है थोड़ी सी स्लाइटली अनर्जेटिक होती है और इसके एप्लीकेशनस भी बहुत हैं ये प्रोड्यूस होती है वाइब्रेशन ऑफ आइटम्स एंड मॉलिक्यूल से ठीक है और हम इंफ्रारेड को यूज़ करके विजन देख सकते हैं ठीक है हम देख सकते हैं कि रात के अंदर चीज़ें कैसी दिख रही हैं बाय डिटेक्टिंग इंफ्रारेड रेज इसकी जो वेवलेंथ रेंज है वो मिनट वन मिलीमीटर टू सेवन हंड्रेड नैनोमीटर होती है इसको हम डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड फोटोग्राफिक फिल्म ओके और वह आपने कभी वो वीडियोज़ देखे होंगे जिसमें सब कुछ चीज़ें ग्रीन ग्रीन दिखती हैं एक्चुअली वो सब इंफ्रारेड वेव्स हैं जो आ रही हैं और उसको हम एक एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर उसको पिक्चर के फॉर्म में डिटेक्ट करते हैं ठीक है इंफ्रा रेड आर यूज इन फिजिकल थेरेपी एंड uh, इंफ्रारेड रेज मेंटेन द अर्थ टेम्परेचर ये भी एक बहुत बड़ा इसका यूज है अर्थ के लिए इंफ्रा रेड डिटेक्टर्स आर यूज इन अर्थ सेटेलाइट बोथ फॉर मिलिट्री परपज एंड टू ऑब्जर्व द ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स एलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ऑल्सो अमिट इन्फ्रारेड रेज एंड वाइडली यूज इन रिमोट स्वचेज ऑफ हाउस ओल्ड एलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स सच्चा है टीवी सेट्स वीडियो रिकॉर्ड्स एंड वाई फाई सिस्टम्स हम इन्फ्रारेड रेज जो सबसे कॉमन एप्लीकेशन है वो है रिमोट रिमोट स्विचेज़ के अंदर तो आप एक चीज़ करिए आप अपने घर पर जाइए अपने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और उस मोबाइल कैमरा के थ्रू अपने रिमोट के वो जो एक छोटा सा वहाँ पर बल्ब है उसको देखिए

इलेक्ट्रॉन्स एक्चुअली एनर्जी लेवल्स पर होते हैं उनके डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और जब इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी लेवल चेंज करते हैं जैसे कि हायर एनर्जी लेवल से वो जब लोअर एनर्जी लेवल आ रहा है तो जो एनर्जी का डिफरेंस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में बाहर जाता है एंड वही विजिबल लाइट को कॉन्ट्रीब्यूट uh, करता है विजिबल लाइट में कॉन्ट्रीब्यूशन है उसका ठीक है हम विजिबल लाइट की फॉर्मों से देख सकते हैं इसकी जो रेंज है इट इज़ फोर नैनोमीटर टू सेवन नैनोमीटर और इसको हम हमारे आंखों में जो फोटो सेल्स हैं हम आंखों से डिटेक्ट कर सकते हैं अंदर फोटो सेल्स हैं या फिर फोटोग्राफिक फिल्म के ऊपर भी हम इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं ठीक है तो 400 टू 700 नैनोमीटर है वेपग्योर का या विजिबल लाइट का ठीक है और इंडिविजुअल कलर की जो वेवलेंथ रेंज है वो कुछ इस तरह है अराउंड फिफ्टी फिफ्टी का डिफरेंस है ठीक है तो फोर टू फोर इज वायलेट फोर टू फाइव इज ब्लू एंड सोन ओके okay, हर मतलब हर कलर के लिए फिफ्टी नैनोमीटर का रेंज है विजिबल लाइट की एप्लीकेशन क्या क्या है इससे हम देख पाते हैं चीजों को इससे हमारे सराउंडिंग के बारे में पता चलता है यूवी रेज ओके यूवी रेज एनर्जी काफी एनर्जेटिक रेज होती हैं, ठीक है द सन इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ यूवी रेज इनर शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आइटम्स मूविंग फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल ठीक है तो जब इलेक्ट्रॉन अपने लेवल चेंज करते हैं तो वो यूवी वी रेज भी एमिट कर सकते हैं जो वेवलेंथ होती है यूवी वी रेज की इट इज़ अराउंड 400 हंड्रेड नैनोमीटर टू वन नैनोमीटर इसको हम डिटेक्ट करते हैं फोटो सेल से या फोटोग्राफिक फिल्म से अच्छा बहुत ही कॉमन एप्लीकेशन ऑफ यू रेज है जो हमारे फिल्टर्स होते हैं वाटर फिल्टर्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा यू फिल्टर तो यू क्या करता है क्योंकि यू बहुत ही एनर्जेटिक रेडिएशन है ये माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स है जो पैथोजेंस जो बीमारियां फैला सकते हैं ये उनको किल कर देता है ठीक है तो ये पैथोजेंस को बैक्टीरिया को मार देती है यूवी राइट और वो कैसे मार पा रही बिकॉज इसके अंदर एनर्जी होती है यूवी रेस को हम और एप्लीकेशंस में भी यूज कर सकते हैं जैसे कि जो लेसिक आई सर्जरी होती है उसमें हम क्या करते हैं कि बहुत ही फाइन एक लेजर रेस की हम आई के उस पार्ट पे डालते हैं आई लेंस के उस पार्ट पे जहां पर हमें उसको थिन करना है ठीक है तो क्योंकि ये बहुत एनर्जेटिक है ये आई लेंस को थिन कर सकती है और ये बहुत ही प्रिसाइज कैलकुलेशन के हिसाब से होती है ठीक है एज यू कैन इमेजिन बहुत ही हाई प्रिस एप्लीकेशन है ओजोन लेयर इन द एटमोसफियर एड यूवी रेस कमिंग फ्रॉम द सन ठीक है क्योंकि यूवी रेज बहुत ही खतरनाक रेज होती हैं जैसे कि मैंने बताया एनर्जेटिक रेज होती हैं ये स्किन कैंसर और भी नुकसान कर सकती है उसके अलावा तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमारे एटमोसफेयर में ओजोन लेयर है और ओजोन लेयर की वजह से हमें वो हार्मफुल इफेक्ट सन के नहीं मिलते ओके okay, फिर है एक्स रेज एक्स रेज काफी एनर्जेटिक रेज होती हैं और ये प्रोड्यूस होती हैं इन एन एक्सरे ट्यूब और इनशल इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एक्सरेज को एक्सरे नाम दिया गया ये हम एक्सरे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर क्योंकि एक्सरे का एग्जिस्टेंस पता नहीं था लोगों को पहले ठीक है और क्योंकि दिखती नहीं है बट इसके इफेक्ट दिखे तो जिन्होंने इसका डिस्कवरी किया था उन्होंने बोला कि कुछ अननोन रेज निकल रही है पक्का कोई ना कोई रेज है हमें देख नहीं पा रहे हैं उसको लेकिन उसके इफेक्ट हम जरूर देख पा रहे हैं और इसलिए उन्होंने नाम दिया एक्स देखो जैसे हम एक्स में बोलते हैं ना कि हमें एक्स निकालना है एक्स वेरिएबल है तो ऐसे ही एक्स रे नाम दिया गया तो यह बहुत ही एनर्जेटिक रे होती है इसका मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व होनी चाहिए इसको प्रोडक्शन इसके प्रोडक्शन में वेवलेंथ रेंज काफी कम होती है वन नैनोमीटर टू तो टेन टू द पावर माइनस थ्री नाइनोमीटर इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं फोटोग्राफिक फिल्म गाइगर ट्यूब्स एंड एग्नाइजेशन चैम्बर से सबसे बड़ा जो यूज है एक्सरे का और जैसे कि आप क्या कर सकते हैं वो है डायग्नोसिस में क्योंकि बोन डिफरेंटली एब्जॉर्ब करती है एक्सरे को और हमारे जो मसल हैं ठीक है क्योंकि उसके अंदर वाटर है वो डिफरेंटली एब्जॉर्ब करते हैं ठीक है एंड बिकॉज ऑफ दैट हम आ, देख पाते हैं कि एक्चुअली बोन्स के अंदर क्या है जब कोई इंफेक्शन होता है तो इन्फेक्शन एक अलग रेट के अंदर एक्सरेज को एब्जॉर्ब करता है ठीक है तो इन सब चीज़ों की वजह से इन खासियत की वजह से एक्सरेज बहुत यूज़ होती हैं इन डायग्नोसिस हम एक्सरे जो बोलते हैं हम एक्सरे कराते हैं वो एक्चुअली हम क्या है हम देख रहे हैं कि हमारी बॉडी के अंदर एक्सरे को कैसे ऑब्जॉर्व किया जा रहा है एक्सरेज आर आल्सो यूज इन ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन फॉर्म ऑफ कैंसर कैंसर के लिए भी यूज करते हैं इसको और ये हम एक्सरेज uh, को हम यूज़ कर सकते हैं टू डिस्ट्रॉय लिविंग और डैमेज टिश्यूज एंड ऑर्गेनिजम्स बिकॉज लाइक आई सेड लाइक यू वी रेज एक्सरेज आर एनर्जेटिक एंड वी कैन यूज इट टू किल स्मॉल सेल्स एक्सरेज का इस्तेमाल हम लगेज स्कैनर पर भी कर सकते हैं अगर आपने दिल्ली मेट्रो देखा होगा या फिर आप अगर एयरपोर्ट पर आपने देखा होगा कि एक स्कैनर लगा रहता है ठीक है तो डिफरेंट चीजें डिफरेंट तरीके से एब्जॉर्ब करती है एक्सरे को हैंस हम एक पिक्चर देख सकते हैं कि एक्चुअली सामान में क्या है ओके फाइनली गामा रेज गामा रेज एक्चुअली बहुत ही स्पेशल रेज हैं और ये न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर प्रोड्यूस होती हैं ठीक है तो जब एक हैवी न्यूक्लियर डिवाइड होता है लाइटर न्यूक्लियर में तब रेडियो तब गामा रेज निकलती है और और भी डिफरेंट डिफरेंट न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं जहाँ पर गामा रेज प्रोड्यूस होती है ये बहुत बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होती है और ये हर चीज़ को ऑलमोस्ट हर चीज़ को पेनिट्रेट कर सकती है इसकी वेविलंथ बहुत कम होती है लेस देन टन टू दावर माइनस थ्री नैनोमीटर इसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं बाय ऑब्जर्विंग ओके व्हाट आर एप्लीकेशंस ऑफ गामा रेज दे आर यूज्ड इन मेडिसिन टू डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स लाइक आई सेड जितनी ज्यादा एनर्जेटिक चीज होगी हम उसको किसी चीज को नष्ट करने के लिए उसका यूज कर सकते हैं तो कैंसर सेल्स को एकदम पिन पॉइंट एक्यूरेसी अगर आपको डिस्ट्रॉय करना है तो उसके लिए हम गामा रेज यूज कर सकते हैं ओके okay? ये जो ट्यूमर्स होते हैं रेडियोथेरेपी के अंदर उसको भी हम नष्ट कर सकते हैं उसको यूज करके